यूपी में लव जिहाद जैसे संगीन अपराध प्रति योगी सरकार और ज्यादा सख्त होने जा रही है। लव जिहाद का आरोप साबित होने पर उम्र कैद की सजा का उल्लंघन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इससे पहले विधानसभा में धर्म सम परिवर्तन प्रतिषेध 2021 पारित किया था। इस विधायक 1 से 10 साल तक में सजा का प्रावधान था। इस विधायक के लिए सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन, झूठ बोलकर धोखा देकर धर्म परिवर्तन को भी अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में 2 महीने पहले मजिस्ट्रेट को बताना होगा। विधायक के मुताबिक जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 जुर्माने के साथ 1 से 5 साल तक ही जेल हो सकती है। पर अब कानून को सख्त करके सजा उम्र के तक की कर दी गई है। योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ विधानसभा में सोमवार को बिल पेश कर दिया है। आज हंगामा होगा। कुछ परिवर्तन विरोध संशोधक विधेयक 2024 के पास होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। इस बिल के पास होते ही लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सजा का प्रावधान होगा। इसमें पहले से परिभाषित अपराध में सजा को दोगुना किया जाएगा और नए अपराध जुड़ गए हैं जिसमें उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। अभी तक इस कानून के अंतर्गत अधिकार 10 साल की सजा और 50,000 जुर्माने का विधान था। यानी पहचान बदल कर या छिपा कर धर्म बदलने पर अब पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा। इससे पहले इस बिल को 2020 में पास कराकर कानून का रूप दिया गया था, लेकिन जब अपराध का दायरा बढ़ा या सजा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। सीएम योगी ने लोकसभा प्रचार के दौरान भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त रूप अपनाने की बात कही थी। धर्म परिवर्तन के सुरक्षा कानून, धर्म बदलवाने के लिए फंडिंग पर भी कठोर सजा, विदेशी फंडिंग, अवैध संस्था की फंडिंग भी अपराध। डर दिखाकर धर्म बदलवाने वालों की खैर नहीं, बल प्रयोग, शादी या साजिश पर भी उम्र कैद। ऊपर सरकार का ये दावा है कि लक्ष्य था कि आप सिद्ध हो, प्रति सजा के कड़े प्रावधान से अपराध में काफ़ी हद तक कमी आएगी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि कानून तो पहले से ही था, ये तो बस नकारात्मक राजनीति है। इस वक्त योगी विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। के मामले में देश के अंदर तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ई प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने वाला राज्य भी है और इसमें देश के अंदर नंबर एक स्थान पर यूपी का स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में देश में प्रथम स्थान है। लगभग हमारे 98% से अधिक मामलों का निस्तारण करने में उत्तर प्रदेश आज देश का वह पहला स्थान रखता है। और मैंने जो पहले भी कहा, घरेलू हिंसा से पीड़ित महिला के लिए 181 की एक सर्विस है और 1090 बाहर महिला संबंधी अपराध के लिए जब कोई घटना घटित होती है तो कोई महिला कॉल करती है तो उस पर तत्काल सेवा उन्हें उपलब्ध होती है। इन सबको इंटीग्रेट करने का काम भी 112 के साथ इंटीग्रेट करने, 181, 1090 और 112 को भी इंटीग्रेट करके अगर कहीं भी सूचना आ रही है उस सूचना को संबंधित तक भेजने के साथ ही उसको तत्काल रिलीफ मिल सके, इसके लिए भी यहां पर कार्य किया गया है। यही नहीं, प्रदेश के अंदर एक महिला थाना हर जनपद में स्थापित करने के साथ साथ एक अतिरिक्त थाने की जिम्मेदारी भी महिला थाना अध्यक्ष को उपलब्ध करवाया गया है और हर थाने में जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई है और 2020 से हमारी सरकार पूरे प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के एक अभियान को आगे बढ़ा रही है। मिशन शक्ति के अंतर्गत पिछले 7 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों की भर्ती की है प्रदेश के पुलिस बल में। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 17 के पहले जितनी भी भर्तियां हुई उन सभी को अगर हम जोड़ लें तो कुल 10,000 महिला पुलिस कार्मिक भर्ती हुई थी, लेकिन 17 से लेकर के 22-23 तक जो भर्तियां हुई इन भर्तियों में प्रदेश में 20,000 से अधिक महिला पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। यानी आजादी के 70 वर्षों में जितनी भर्ती हुई थी महिला, उससे दुगनी भर्ती अकेले 5 वर्ष के अंदर हमने पुलिस महिलाओं को यहां पे भर्ती किया। पुलिस की भर्ती में उनकी 20% हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था उन्हें प्राप्त हो सके, इसको अनिवार्य रूप से प्रदेश के अंदर लागू किया। लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में महिला पीएसी की बटालियन के गठन की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया।
लेकिन जो पुलिस कार्मिक महिलाएं भर्ती हुई थी वे केवल एक कांस्टेबल के रूप में ऑफिस के कार्य को या थाने तक ही अपने को सीमित न रखे, बल्कि महिलाओं की सुरक्षा के साथ साथ शासन की योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए उनकी प्रतिभा का लाभ समाज ले सके, इसके लिए प्रदेश के अंदर 10,000 से अधिक महिला बीट स्टेशन स्थापित किए गए। धर्मांतरण या किसी भी तरीके का लोभ प्रलोभन देकर के किया गया धर्मांतरण हमेशा से संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रहा। हिंदुस्तान का कानून इसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा देता है। महात्मा गांधी भी जबरन धर्मांतरण के खिलाफ थे, किसी भी तरीके के प्रलोभन के खिलाफ थे। उन्होंने 200 से ज्यादा चिट्ठियां आर्कबिशप को लिखी थी। तो चाहे वो लव जिहाद हो या किसी भी तरीके की चीज हो, जहां पर भी जबरन धर्मांतरण की बात आएगी हिंदुस्तान के संविधान में पहले से प्रावधान मौजूद। जनता पार्टी वो केवल नकारात्मक राजनीति करना चाहती, वो बेरोजगारी पे कुछ नहीं करना चाहती, महंगाई पे कुछ नहीं करना चाहती, पेपर लीक पे कुछ नहीं करना चाहती। इसलिए केवल नकारात्मक राजनीति कैसे की जा सके, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लव जिहाद जैसे अध्यादेश लेके आई है। लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, इनसे जनता का कोई भला होने वाला नहीं।